हे गाइस, क्या हालचाल भाइयों। तो फिर से एक नई वीडियो में सभी का स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम करने वाले हैं ड्रेड फिनिक्स या फिर डेड फिनिक्स, इसका फाइट हमारे टर्बो बेब्लेड्स और इसके ही प्रेडिसेसर्स कर लो या फिर इस जिससे ये इवोल्व होके बना है उनका फाइट करेंगे आज इससे, जो है डेड हेडीज कर लो और रिवाइव फिनिक्स। इन दो के कॉम्बिनेशन से बना है ये बेब्लेड और ये सच में स्ट्रॉन्ग भी है ये बेब्लेड। तो आज देखना यही है कि क्या ये दो बेब्लेड्स इससे जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। तो चलो भाई, आज यही देखना है हमको। और हर बेब्लेड से दो पॉइंट की बैटल करेंगे, जिसके भी दो पॉइंट हो गए वो जीत जाएगा। हाँ, तो सबसे पहले हम करेंगे रिवाइव फिनिक्स से, ताकि दोनों ही सेम है और दोनों की रिंग निकल जाती हैं तो सही रहेगा दोनों का। इन 3, 2, 1 हो जाए शुरू। ओके, क्या लगता है गाइस, जो ये हमारा डेड फिनिक्स है रिवाइव फिनिक्स से जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा, देखने के लिए बने रहें इसी वीडियो में। दो पॉइंट्स की बैटल है, का ज़्यादा लंबी नहीं होगी, लगभग 10 से 15 फाइट ही होंगी और बैटल ख़त्म। भाई शुरुआत तो ऐसी लग रही है कि हारेगा भाई। ओ, पहला पॉइंट जाता है रिवाइव फिनिक्स को। ये थोड़ा सा चौंकाने वाला था, बट पहला पॉइंट रिवाइव फिनिक्स के हाथ में जाता है। और हाँ गाइस, ये सारे वेबलेट्स इसको छोड़ के सारे ही हमारे आईबी स्टोर में मिल जाएंगे, तो जाके चेकआउट कर सकते हो। और हाँ, मैंने सब बेबलेट्स का 100-100 प्राइस डिक्रीज करवा दिया है, तो देखते हैं भाई। ओके, इन 3, 2, 1 हो जाए शुरू। चलो भाई, देखना है क्या रिवाइव फिनिक्स सच में जीत पाएगा डेड फिनिक्स से, या फिर डेड फिनिक्स बदला लेगा अपना। ओ भाई कैसे, अटैक था यार, ये सीधा ऐसे टक्कर मारी है भाई उसने। भाई स्लो मोशन में देखना यार इसको, मतलब स्लो मोशन में देखना, ये यहाँ से निकल के सीधा ऐसे गया भाई, आगे नहीं गया, सीधा ऐसे गया। अरे नाइस, ये है भाई इसका खतरनाक अटैक ड्रेड फिनिक्स का। भाई डेंजर है तो ये बेब्लेड। चलो, एक एक पॉइंट की बराबरी होती है इसी के साथ। और भाई ये नहीं सोचा था मैंने कि ऐसे अटैक करेगा। और गाइस अगर देखा हो ध्यान से, तो जो टर्बो सीरीज का टूर्नामेंट किया था हमने, उसमें भी इसने कुछ ऐसा ही काम किया था अखिलेश के साथ, लेकिन अखिलेश ने काफ़ी ईजिली हरा दिया भाई, काफ़ी ईजिली हरा दिया था। ओके, 3, 2, 1 हो जाए शुरू। ओ भाई, रिवाइव फिनिक्स को थोड़ा गुस्सा आ गया है इस बार, बट डेड फिनिक्स को भी थोड़ा सा गुस्सा है, पता नहीं किस बात का है, बट है गुस्सा। और देखना है किसका गुस्सा ज़्यादा देर तक चलता है और किसकी रिंग ज़्यादा देर टिक पाती है। वैसे जितना ज़्यादा देर टिकेगा उतना ही नुकसान है, रिंग ज़्यादा जल्दी निकलेगी तो अच्छा रहता है बेब्लेड्स के लिए। ओ, मुझे लगता है डेड फिनिक्स हारेगा। नहीं, जीत गया। ओके, तो विनर है डेड फिनिक्स। चलो भाई, पहला बेब्लेड था रिवाइव फिनिक्स जो कि हारता है। काफ़ी अच्छी फाइट ली है इसने, काफ़ी अच्छी फाइट ली है भाई। ओके, बारी है डेड हेडीज की। ये मेरा फेवरेट है बेब्लेड, आज इसकी देखेंगे भाई कितना ही दम है इसके अंदर। इन 3, 2, 1 हो जाए शुरू। ड्रेड फिनिक्स अटैक टाइप है, ड्रेड फिनिक्स बाहर कर सकता है ये, सॉरी ड्रेड फिनिक्स कह रहा हूँ, ड्रेड हेडीज बाहर कर सकता था ये ड्रेड फिनिक्स को, बट ड्रेड फिनिक्स यार क्या है, जो भी है, दो नाम है गाइस इनके, जो कमेंट में बोलोगे यार मैं कोई दूसरा नाम लूँगा तो कोई दूसरा कहेगा ये नाम है उसका कोई, मैं कन्फ्यूज हो जाता हूँ भाई। ओके, कमाल की बात है भाई, ये बेब्लेड किसी से हारता नहीं है, डेड फिनिक्स नहीं, डेड हेडीज भाई, कितना कन्फ्यूजन है यार, ये बेब्लेड किसी से हारता नहीं है लेकिन इससे हार रहा है। हद हो गई भाई, देखते हैं। इन 3, 2, 1 हो जाए शुरू। क्या लगता है, क्या डेड हेडीज हरा पाएगा डेड फिनिक्स को? मुझे नहीं लगता, बट अभी तक डेड फिनिक्स की रिंग नहीं निकली है तो शायद अभी मूड में नहीं है वो अटैक के, बट उसको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, डेड हेडीज हार चुका है भाई, काफ़ी इजीली हरा दिया यार। तो ये बेब्लेड सच में स्ट्रॉन्ग है, ये बेब्लेड सच में स्ट्रॉन्ग है गाइस, ये दोनों को हरा दिया, ये इन दोनों से बेटर बना था इन दोनों के एवोल्यूशन से ही, और उन दोनों को हरा दिया, ठीक है। ओके, बारी है टर्बो स्प्रिगन की। टर्बो स्प्रिगन अटैक टाइप करते हैं, फिर अगले में कर देंगे हम थोड़ा सा। 3, 2, 1 हो जाए शुरू। क्या लगता है गाइस, टर्बो स्प्रिगन जीत पाएगा? मेरा तो ख्याल है कि भाई नहीं, बस का नहीं है टर्बो स्प्रिगन के, बट अभी तक अच्छे से झेल रहा है भाई इसको, देखना होगा अखिलेश और वेलक्री का। टर्बो स्प्रिगन भी काफ़ी मस्त है, बट अभी
शायद जीत जाएगा। नहीं संभल गया भाई पैक, वो फिनिक्स संभल गया। अगर बैलेंस ख़राब ही रहता फिनिक्स का तो जीत जाता टर्बो स्प्रिगन। क्या कहते हो गाइस? चलो राइट स्पिन कर लेते हैं टर्बो स्प्रिगन को। यहाँ से हो जाता है गाइस राइट स्पिन। ओके तो अब राइट वर्सेस राइट होगा, लेफ्ट में तो हार गया टर्बो स्प्रिगन। राइट में देखते हैं अभी। इन 3 2 1 हो जाए शुरू। ओ अटैक टाइप बन रहा है भाई बुरा। अब ये मत कहना यार इसको स्टैमिना टाइप करना था भाई क्योंकि भाई सबकी डिमांड नहीं पूरी हो सकती। ओ रिंग फेंक दी। भाई रिंग ने कितने अटैक किए यार? लगभग 3 अटैक किए हैं टर्बो स्प्रिगन पे। भाई रिंग बचा लेती है सच में, काम करती है। मैं तो इसको ऐसे ही सोचता था कि नहीं बेकार होगी है, लेकिन काम अच्छे से कर लेती है भाई, काफी अच्छे से कर लेती है। ओके नेक्स्ट जो होगा वो होगा वेलक्री। यार अखिलेश तो जीत ही चुका ना टर्बो उसमें टूर्नामेंट में, तो अखिलेश से तो करना जरूरी नहीं है, फिर भी कर लेंगे दोबारा क्या जाता है। लेकिन गाइस अखिलेश जीत चुका है पता होगा। ओके 3 2 1 हो जाए शुरू। मैं दोबारा कर क्यों रहा हूँ इनकी फाइट जब टूर्नामेंट में हो चुकी है तो हैं? पता नहीं यार। हाँ वो सारे फेक थे लेकिन ये वाले ओरिजिनल हैं सारे के सारे। ठीक है जो वेलक्री था वो हारता है। अभी एक और पॉइंट की बैटल करते हैं और देखते हैं क्या रहता है इन दोनों का ही। इन 3 2 1 हो जाए शुरू। ओ ये क्या था अरे मेरे को लगता है अभी भी जीत जाएगा डेड फिनिक्स। जीत गया भाई, यही तो खूबी है इसकी, रिंग निकाल देता है एक्स्ट्रा स्टेमिना के लिए। यही तो खूबी है भाई इसकी, इसी की वजह से जीत जाता है ये। तो ठीक है गाइस अभी लास्ट मिनट बचा है जो जीत भी गया था पहले भी। हाँ मेरे पास जो रिवाइव फिनिक्स था पहले वाला वो फेक वाला था, ये ओरिजिनल वाला है, ये भी ठीक है गाइस। ओके इन 3 2 1 हो जाए शुरू। अखिलेश जीत जाएगा, अखिलेश जीत जाएगा भाई, कम ऑन अखिलेश। वैसे इनकी टक्कर कांटे की होती है हमेशा ही, और कांटे की होती है हमेशा ही। और भाई तोते उड़ा दिए रिंग ने, सच बता रहा हूँ। ये रिंग है ना, ये रिंग सच में काम करती है भाई, बढ़िया है यार ये रिंग। ठीक है इनका पता नहीं चलता यार ये कैसे काम करती है ये रिंग, मतलब ठीक है चिपक जाती हैं बट कैसे चिपकती हैं। ओके गाइस फिर से करते हैं और इस बार लास्ट फाइट होगी शायद ये, और शायद फिनिक्स जीत जाए इस बार, या फिर अखिलेश मुकाबले में बराबरी कर सकता है। हाँ कर सकता है अगर रिंग पहले ही निकाल दी तो, या फिर रिंग निकले ही ना। अगर रिंग एंड टाइम पे निकल गई तो दिक्कत भी कर सकती है अखिलेश को, और शुरुआत में निकल गई तो भी दिक्कत कर सकती है। ओ भाई चलो जैसे कि फाइनल में हुआ था गाइस, जैसे टर्बो टूर्नामेंट के फाइनल में हुआ था वैसे ही इस बार भी हुआ है। इस बार भी बाहर फेंक दी रिंग को अखिलेश ने। अखिलेश थोड़ा स्मार्ट खेल जाता है हमेशा ही, और अपने हाथ कर लेता है भाई बाजी को, मतलब ठीक है पहला पॉइंट जाता है अखिलेश को। दो दो पॉइंट की बैटल है ना, तो एक एक पॉइंट हो चुकी है दोनों की। इन 3 2 1 हो जाए शुरू। ये कोई टूर्नामेंट नहीं है फिर भी देखना होगा कौन जीतेगा। मेरे ख्याल से अखिलेश बेटर है फिर भी डेड फिनिक्स से तो। ओके ये थोड़ा सा स्लो बैटल है बट ये लास्ट बैटल है, तो देखते हैं क्या रहता है भाई। मेरे ख्याल से डेड फिनिक्स जीत गया ये। हाँ तो टूर्नामेंट में अखिलेश जीता था बट इस बैटल में डेड फिनिक्स जीत गया, तो विनर है डेड फिनिक्स। भाई एक बेबलेट से नहीं आ रहा ये, कमाल की बात है यार। डेड फिनिक्स है विनर बट टूर्नामेंट में ये जीत गया था अखिलेश, तो कुछ भी हो सकता है। ये दोनों टक्कर गए हैं, बाकी दोनों का बाकी उनका कोई इतना चांस लगता नहीं है मेरे को, बट ये दोनों टक्कर गए हैं। तो ठीक है गाइस ये थी आज की वीडियो, बताओ कैसी लगी। यार मुझे भी थोड़ा सा फील हो रहा है कि थोड़ी सी रिपीट हो गई है ये वीडियो टूर्नामेंट के जैसे, बट क्या कर सकते हैं अब। बट हाँ ये कर सकते हैं, मैंने इसमें सारे टॉप बेबलेट्स लिए हैं, तो एक टाइप से नहीं सिमिलर तो नहीं हुई यार, लगभग सारे टॉप बेबलेट्स हैं तो बढ़िया ही है ना। हाँ तो ठीक है गाइस आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, तो बाय बाय नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। सब्सक्राइब कर देना चैनल को।